mind can be rewritten. तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनिमी कोयोटे। यार मैंने बहुत सारी मूवीज देखी जो सुपर हीरोज की भी है, जो एनिमी के अंदर बनी हुई है। तो उन्हीं एनिमी मूवीज की मैं बात करूँगा जो सुपर हीरोज के ऊपर बेस हैं। तो चलो यार, मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा आयरन मैन द टेक्नोवर्स। तो आयरन मैन टेक्नोवर्स बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है? तो जिन्होंने अगर आयरन मैन 1 देख ली होगी तो मैं बता दूँ, उसका जो विलन होता है, उसका जो बेटा होता है, वो इस चीज़ में होता है टेक्नोवर्स। तो होता कुछ ऐसा है कि जो आयरन मैन होता है वो अपना एक सेटेलाइट लॉन्च कर रहा होता है, बट वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है। और जो निक फ्यूरी होता है उसको पता रहता है कि आयरन मैन अगर आयरन मैन ना बना तो ज़्यादा सही होगा। तो टेक्नोवर्स पूरी तरीके से ना आयरन मैन की टेक्नोलॉजी पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसके अंदर आयरन मैन को रोकने के लिए निक फ्यूरी भी होते हैं, तो इस कारण आयरन मैन का सामना ब्लैक विडो और हॉकाई से भी होता है। तो आयरन मैन के सपोर्ट में होता है पनिशर, जो उसकी मदद करता है। तो आयरन मैन का इसका जो बड़ा विलन है उसके वो होता है टेक्नोवर्स, जिसको आयरन मैन को रोकना होता है। अब मैं ऐसी अब और भी एनिमी मूवीज़ है जो मार्वल की, जैसे कि तुम लोग अवेंजर द कॉन्फिडेंशियल ऑफ ब्लैक विडो और पनिशर देख सकते हो, वुल्वरिन भी है और ब्लेड है। अब मैं बात करता हूँ डीसी की एनिमी मूवीज़, जो दो ही असल में। पहली आ जाती है बैटमैन द गौतम नाइट। तो बैटमैन द गौतम नाइट असल में उसके अंदर अलग एनिमेशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। 4 एनिमेशन टाइप हो गए, टोटल 6 एपिसोड में मूवी को डिवाइड किया गया है। एंड उसका कोई स्टोरी कनेक्शन नहीं है, 6ों की अलग अलग है। तुम्हें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब मैं दूसरी मूवी की बात करता हूँ, वो है बैटमैन दी निंजा। तो बैटमैन दी निंजा असल में इसकी जो स्टोरी कुछ ऐसी होती है कि बैटमैन एक अपने मिशन पर होता है, जिसके कारण अचानक से टाइम ट्रेवलिंग हो जाती है। तो टाइम ट्रेवलिंग जो होती है, जहाँ पे वो जापान पहुँच जाता है, विंटेज जापान में, जो बेसिकली राजाओं का टाइम है, और वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी वाला पीरियड नहीं है, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट रियल प्रॉब्लम उसकी ये होती है कि जो उसके विलन होते हैं वहाँ पे, वो उससे 2 साल पहले पहुँच गए। जो ये टाइम ट्रेवलिंग है, ये वैसी सेम टाइम ट्रेवलिंग है जैसे तुम लोग ने इडाटिन जंप अगर देखी होगी, तो उसमें भी वैसी टाइम ट्रेवलिंग होती है कि सबकी टाइम ट्रेवलिंग जो होती है वो साथ में होती है, पर वहाँ पर जब लोग पहुँचते तो वो अलग अलग टाइम के हिसाब से पहुँचते हैं। तो वो जो बैटमैन के जो विलन होते हैं वो ना जापान के ऊपर काबू करना चाहते होते हैं, जहाँ पे बैटमैन को यहाँ पे 2 प्रॉब्लम होती। पहली कि वो अपने गौतम शहर में वो वापस जा पाए प्रेजेंट टाइम में, और दूसरी कि वो जापान को इन लोगों से बचा सके। तो इसके अंदर कौन कौन से तुम्हें कैरेक्टर नज़र आए वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। तो इसके अंदर जो कैरेक्टर ऐसे में बैटमैन के जो विलन हो गए, जैसे कि जोकर, हार्ली क्वीन, पेंगुइन और पॉइजन आईवी, बैन, हार्वी डेंट, टू फेस विद डेथस्ट्रोक, और
उसके बाद जो बैटमैन के भी जो उसकी टीम में से जैसे नाइट विंग, डेथ शॉट, रेड रोबिन और डेमियन वेन और एल्फ्रेड पेनीवर्थ और कैटवुमन, कैटवुमन बेसिकली दोनों उसकी दुश्मन भी है उसकी दोस्त भी है। तो ये मूवी के अंदर सबसे मज़ेदार बात ये आती है कि जो बैटमैन के जब सारे गैजेट जब फेल हो जाते हैं, जापान एक मॉडर्न कंट्री तो उस समय थी नहीं, विंटर थी, जिसके कारण उसको पुराने टेक्टिक्स जो होते जापान के, आई मीन जो तलवारों का टाइम हो गया या फिर निंजा स्टाइल, उसको अपनाना पड़ता है। तो ये मूवी इतनी है। तो चलो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब।